सरकारी संपत्तियों को व्यापारी मित्रों को बेच रही केंद्र सरकार। रक्सौल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को अपने व्यापारी मित्रों अडानी और अंबानी ग्रुप को बेचने का काम कर रही है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है। विपक्ष सवाल पूछता है तो भाजपा सरकार के मंत्रियों का जवाब आता है, महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि देश की संपत्ति के क्रेता और विक्रेता गुजराती हैं, जीडीपी शून्य है, रोजगार खत्म है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य 100 के आंकड़े पार कर रहे हैं, घरेलू गैस के दाम 1000 के आसपास पहुंच गए हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, तानाशाही नहीं चलेगी, घरेलू गैस का दाम कम करो। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।